हेलो फर्स्ट क्लास, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9, किसान और नेवला। ओके, ओपन योर बुक पेज नंबर 4040। ओके, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसने एक नेवला पाल रखा था। नेवला चतुर और स्वामी भक्त था। वह सदा किसान की आज्ञा का पालन करता था। घर में किसान का एक छोटा बच्चा भी था। एक दिन किसान किसी काम से शहर गया। घर में किसान की पत्नी, उसका बच्चा और नेवला था। किसान की पत्नी ने बच्चे को दूध पिलाकर सुला दिया। वह नेवले को बच्चे की रखवाली के लिए छोड़कर कुएं पर पानी भरने चली गई। नेवला बच्चे की रखवाली कर रहा था, तभी उसने बच्चे की ओर एक काला सांप आते हुए देखा। नेवले ने पूरी ताकत से सांप पर आक्रमण कर दिया। सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। नेवले का मुंह खून से लथपथ हो गया। नेवले ने सोचा कि उसकी मालकिन उसकी बहादुरी की प्रशंसा करेगी। यह सोचकर वह दरवाजे पर बैठकर मालकिन का इंतज़ार करने लगा। किसान की पत्नी पानी भरकर लौटी। उसने नेवले को दरवाजे पर देखा। नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ था। किसान की पत्नी ने सोचा कि नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला। दुख और क्रोध में उसने पानी से भरा हुआ घड़ा नेवले पर पटक दिया। बेचारा नेवला पानी से भरे घड़े के नीचे दबकर मर गया। फिर किसान की पत्नी दौड़कर घर के अंदर पहुंची। उसने देखा कि उसका बच्चा गहरी नींद में सोया है। फर्श पर एक काला सांप टुकड़े टुकड़े हुए पड़ा है। किसान की पत्नी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वह दौड़कर नेवले के पास आई। वह अपने मरे हुए नेवले को देखकर जोर जोर से रोने लगी। पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए कहते हैं जो बिना सोचे समझे काम करता है उसे पछताना पड़ता है। ओके, आज हमने पढ़ा पार्ट 9, किसान और नेवला। ओके, ये आप लोगों ने लर्न करना। ओके, थैंक यू।